सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैथमेटिक्स सेकंड कास्ट पेपर हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए और उसका आंसर भी साथ में देखेंगे, और किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसका। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सबसे सुटेबल आंसर जो है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ एफएक्स, एफएक्स का वैल्यू आपको दे रखा है, इसका डोमेन पूछा है, तो हम आपको डोमेन कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे डोमेन कैलकुलेट करना है इसका। तो हम एफएक्स को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। मेरा जो एफएक्स दे रखा है एफएक्स मेरे पास है एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो अगर इसका डोमेन निकालना है तो हमने आपको सिखाया था कि किस नंबर ऊपर कोई भी नंबर हो लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं हो, या इसको बोल सकते हैं इट विल बी नॉट डिफाइंड एट कब डिफाइंड नहीं होगा, जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अगर वो जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जो क्वाड्रेटिक है ये कहाँ कहाँ पे जीरो होने वाला है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू और यहाँ से माइनस वन का कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू आएगा इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन होगा और एक्स माइनस वन यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू क्या होगा जीरो, यानी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू टू और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू वन, यानी कि एक्स का वैल्यू वन और टू ऐसा है जहाँ पे ये डोमेन जहाँ पे नीचे वाला क्वांटिटी जीरो बन जाएगा यानी कि वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो टोटल रियल नंबर में से एक वन और दूसरा टू यही नंबर है जिसका जिसपे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो टोटल रियल नंबर माइनस उसमें से हम क्या कर देंगे वन कॉमा टू, तो वन और टू को उसमें से छाट देंगे हम। तो टोटल रियल में से वन और टू को छाट देना, और ये हमेशा ये देखिए ये वाला लाइन यूज करना है, ये जो सी है यहाँ पे देखिए इस ऐसा सेट बनाया गया था और यहाँ पे जो है ऐसा वैल्यू बनाया गया, तो इस सेट का मतलब हुआ कि इसके बीच के सारे नंबर यानी 1.23 सब हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर में लिखा हुआ है कि वन और टू के बीच कुछ नहीं है, यानी वन भी हो वन है और टू है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका सारा सेट है, यानी 1.005 इसमें सारे वैल्यू आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये रेंज से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका रेंज निकालने में थोड़ा सा प्रोसीड्यूर लगेगा। डायरेक्टली हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो होगा 1/3 क्लोज में और यहाँ पे 1 होगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जैसे एफ एक्स को हम मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारा वाई है और 1/2 माइनस कॉस एक्स है, अब बस एक्स को क्या करना होता है वाई के फॉर्म में लिखना होता है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा पहले तो एक्स में बनाना पड़ेगा और फिर वहाँ से रेंज आपको निकालना होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई एक्स माइनस वन है, देन एफ ए बाई एफ ए प्लस वन किसके इक्वल होगा, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आपका जो है क्या दे रखा है एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है एक्स बाई एक्स माइनस वन के बराबर है, तो पूछा है एफ ए अपॉन एफ ए प्लस वन किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, हाँ यही पूछा है आपसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए अगर निकालते हैं तो एफ ए मेरा क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे ए आ जाएगा, नहीं ए बाई ए माइनस वन हो जाएगा, और एफ ए प्लस वन में क्या हो जाएगा कि एक्स की जगह पे ए प्लस वन आ जाएगा, यानी ए प्लस वन बाई इस एक्स की जगह पे ए प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ए प्लस वन, अब ए प्लस वन और नीचे आपका बन जाएगा ए। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो एफ ए का वैल्यू मेरा कितना है ए बाई ए माइनस वन, और नीचे देखिए ए प्लस वन का वैल्यू कितना है ए प्लस वन बाई ए। अब इसका हम सॉल्व करेंगे और इसको तो ए और ए ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, यानी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन इसका आंसर आएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन। तो क्या ऐसा आंसर है, तो ऐसा आंसर अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखिए ये जो है इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स बाई एक्स माइनस वन था, तो अगर हम
एफ एक्स जो हमारा है उसमें एक्स बाई एक्स माइनस वन है, और अगर हम एफ ए स्क्वायर निकालना चाहे, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर इसका वैल्यू होगा, एफ ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एफ ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लिमिट साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, एक्स डिग्री अपॉन एक्स है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और ऊपर साइन एक्स डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ साइन एक्स डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो पाई एक्स बाई 180 हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या है एक्स है, तो इसमें पाई वन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा वैल्यू चेंज ना हो। तब इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू पाई बाई 180, तो इसका आंसर कितना आ रहा है पाई बाई 180। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, क्या आंसर आएगा देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं, आपका दे रखा है यहाँ पे कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन क्या है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, ऊपर में एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बाई यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x की जगह पे इन्फिनिटी रखिए तो 1 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी प्लस 2 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी अपॉन 3 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 3 बाई इन्फिनिटी, ये वैल्यू जीरो हो जाता है सारा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, 1 अपॉन 3 इसका आंसर आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 अपॉन 3। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा देन डी वाई बाई डी थीटा, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू दे रखा है ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू दे रखा है ए साइन थीटा, तो आपसे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम इसका निकाले डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये मेरा आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और अगर हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे dy बाई डी थीटा तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए और साइन थीटा का कॉस थीटा। अब हमको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना कि dy बाई डी थीटा में dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, तो अब इसको dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस ए साइन थीटा। अब ए से ए कट जाएगा और कॉस बाई साइन क्या होता है माइनस कॉस बाई साइन कॉट होता है कॉट थीटा और इधर माइनस है तो माइनस कॉट थीटा इसका आंसर आ रहा है माइनस कॉट ऑफ थीटा, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ वाई इक्वल टू टेन एक्स डिग्री तो देन डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन एक्स डिग्री का हमने सिखाया था कि अगर डिग्री में हो और उसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, पहले पाई बाई 180 लगा देना है और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डिग्री हो जाएगा, तो पाई बाई 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा एक मिनट, ये 180 बाई पाई है, पाई बाई 180 होगा, ये ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा पाई बाई 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, पाई बाई 180 रहना चाहिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, द वैल्यू ऑफ एफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देंगे हम ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए का वैल्यू रूट एक्स और बी का वैल्यू 1 बाई रूट एक्स डीएक्स। अब यहाँ से क्या होगा रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पे 2 इंटू डीएक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स,
माइनस टू इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। तो इसमें देखते हैं कौन है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर जो होगा, एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखना है, तो यहाँ स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, आठ का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नाइन को, क्वेश्चन नंबर नाइन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, वन प्लस कॉस एक्स ही है ना, हाँ वन प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंदर वन प्लस कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, या ये टू का स्क्वायर रूट रूट टू हो जाएगा और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स बाई टू हो जाएगा और डी एक्स, तो रूट टू बाहर और यहाँ पे बच जाएगा साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पे रूट टू बाहर रहेगा इंटू साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, फिर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से नीचे भाग देंगे प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये टू ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा टू रूट, यहाँ पे लिख देते हैं एक मिनट, ऊपर हो जाएगा आपका टू रूट टू माइनस में तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, माइनस टू रूट टू कॉस रूट कॉस एक्स बाई टू, माइनस टू रूट टू माइनस टू रूट टू कॉस, अच्छा इसमें माइनस वाला ऑप्शन नहीं है, माइनस टू रूट टू कॉस एक्स बाई टू, इसमें साइन का होता है आपका माइनस, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट है सॉरी, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला में कॉस आता है, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू, तो कॉस का डायरेक्ट क्या होता है साइन होता है, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका टू रूट टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी, टू रूट टू साइन एक्स बाई टू, टू रूट टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, टू रूट टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का निकालना है तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका होता है या तो आप माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, या लॉग सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, तो क्या है लॉग सेक एक्स प्लस सी, और ये लॉग कॉस था माइनस में नहीं था, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट होगा, बाकी कोई नहीं। नौ का क्वेश्चन है द इवेलुएट साइन रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसका हमको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं इसको इसको हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो साइन का एंगल रहता है या जो एंगल में रहता है उसको कुछ मान लीजिए। तो जैसे हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो साइन रूट एक्स अपॉन एक्स को हम चाहें तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको प्रोसीजर आगे पता चल जाएगा। अब लेट कर लेते हैं कि मेरा जो रूट एक्स है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, इसका डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करेंगे तो रूट एक्स का क्या आता है वन बाई टू रूट एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए देखिए, अगर हम इसको ऐसा लिखे वन बाई रूट एक्स डी एक्स, डी एक्स उधर चला जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा टू डी टी, तो वन बाई रूट एक्स डी एक्स मेरा किसके आ रहा है टू डी टी के इक्वल। तो साइन, और हमने इसको क्या माना था ऊपर वाले को, ऊपर वाले को माना है हमने टी, तो ऊपर वाला मेरा किसके इक्वल हो जाएगा टी के, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका नीचे रूट एक रेट एक रूट एक्स तो टी हो जाएगा, और वन बाई रूट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा टू टू एक मिनट वन बाई रूट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा टू डी टी के, टू इंटू डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू साइन टी अपॉन टी और डी टी। इसका चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा, इस क्वेश्चन में आपको नीचे में जैसे एक्स दिया है उसमें रूट एक्स रहना चाहिए, क्वेश्चन में आपका मिस्टेक दिया हुआ है यहाँ पे नीचे में रूट एक्स रहना चाहिए, रूट एक्स रहेगा तभी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और इसमें अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप नॉन ऑफ दीज मार्क निकल जाएंगे। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन ये रॉन्ग दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे
इसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ऐसे इसका आंसर अगर नीचे रूट रहता तो वहाँ पे क्या कर लेते, टू टू लगा के इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते। तो जनरली इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा इनकरेक्ट दिया है, तो आप नॉन ऑफ दीज मार दीजिए, या आप ऑप्शन बी भी मारेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि गलत है क्वेश्चन में। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है बोर्ड में तो आपका मार्क्स मिलता है, गलत आप सही बनाए या गलत बनाए उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स डी। तो ये जो है हमारा किस पे जाएगा, बाई पार्ट रूल पे लगेगा। क्या निकालना है, एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक को यू मानते हैं और एक को भी मानते हैं, तो यू किसको मानेंगे और भी किसको मानेंगे, आईलेट से तय होता है। तो आईलेट में अगर देखें तो इनवर्स, लॉगरिथम, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, यानी कि एक्स को यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे। अब एक्स बाहर हो जाएगा, ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, और फिर इस टोटल का डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, माइनस इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर डी एक्स, और फिर यहाँ पे एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वन बचेगा प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका ई पावर एक्स ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ही आएगा, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स क्या है, ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी, ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस का होता है साइन एक्स, ठीक है, और इसमें लिमिट क्या लगाना है, 0 टू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 मेरा 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 1। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट माइनस 1 टू 1 एक्स की पावर 3 ई का पावर एक्स स्क्वायर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करना है, एक्स की पावर 3 ई का पावर एक्स स्क्वायर है, लिमिट है आपका यहाँ से माइनस 1 टू 1, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक्स का पावर 3 और ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, अगर ई के पावर में जो दे रखा हो उसको एक फंक्शन मान लीजिए, तो लेट कर लेते हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर जो है वो टी के इक्वल है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स आएगा इसका, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स इंटू डी एक्स निकाले तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1 से 1 एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, या इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बच गया एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस 1 से 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो टी हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, फिर किसके इक्वल हो गया टी के, और इंटू एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी बाई 2 के, डी टी बाई 2 के। अब डी टी बाई 2 के इक्वल आ गया, 1 बाई 2 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे बच गया माइनस 1 से 1, और ये टी इंटू ई पावर टी है, ई पावर टी। अभी देखिए लिमिट हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ है, लिमिट चेंज करना होता है, तो अभी हमने फिलहाल लिमिट चेंज नहीं किया हुआ है। लिमिट चेंज करके हमको, जैसे जनरली अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फंक्शन में तो उसमें लिमिट भी चेंज करना होता है, चलिए लिमिट भी चेंज कर ही देते हैं। जब मेरा एक्स जो था वो माइनस 1 था, तो एक्स अगर माइनस 1 रहेगा तो टी कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और जब मेरा एक्स 1 था तो टी कितना हो जाएगा, टी भी 1 हो जाएगा, यानी लिमिट हो जाएगा 1 से 1, तो लिमिट 1 से 1 हो जाएगा, और फिर ये मेरा टी इंटू ई पावर टी डी टी हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें लिमिट जो है आपका, लिमिट दोनों केस में क्या हो गया, बराबर। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर जब होता है तो उसका वैल्यू मेरा जीरो हो जाता है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर सी आंसर जीरो हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे बचेगा k का कॉन्स्टेंट 1, 49 और 1 कितना हो गया 50, 50 और 4 54। अब 54 को लिख सकते हैं 9 into 6 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 3 रूट 6 आ जाएगा आंसर इसका, 3 root 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी देन। अगर ए डॉट बी जो है ए डॉट सी के इक्वल है, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस सी के इक्वल है, सी ए क्रॉस सी के इक्वल है, देन अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी वेक्टर जीरो, नॉन ऑफ दिस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं।
तो इसका आंसर हमें लगता है कि ये दोनों में से ही कोई होगा, परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर का केस क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो जाता है, और पैरेलल का केस क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जीरो नहीं, अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं इसको, ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर है इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर होगा, तो यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो के, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन सी में भी आ रहा है, और फिर बोल रहा है कि ए और ए जीरो हो जाए, तो ए अगर जीरो हो जाएगा इसमें, तो जरा चेक कर लेते हैं, ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि ये जीरो इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई हो गया। और इसमें अगर ए जीरो हो गया तो एक काम करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, माइनस करते हैं, इधर आएगा तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा, ए वेक्टर कॉमन लेंगे तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा, तो उधर जीरो बच रहा है, तो बी वेक्टर, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इतना और इतना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करते हैं, उसके कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करिए। टू में आई का कोफिशियंट, टू इंटू वन कितना होगा टू, प्लस थ्री का जे के कोफिशियंट से थ्री हो जाएगा, फाइव का माइनस वन से माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस फाइव, आंसर कितना आएगा जीरो, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल आपको इसको निकालना है, इसके बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करिए कि कॉस्ट फॉर्मूला होता है कॉस्ट थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इससे हम क्या करेंगे, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी मेरा कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी मेरा हो जाएगा होगा टू इंटू वन हो जाएगा ये टू, थ्री इंटू वन हो जाएगा ये कितना थ्री, फाइव इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस फाइव, यानी इसका ए डॉट बी कितना रहा जीरो। अब देखिए ऊपर जीरो हो गया, नीचे इसका कोई वैल्यू आएगा तो उससे क्या लेना है, ऊपर हो गया जीरो मतलब नीचे किसी से डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो ऊपर क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई नंबर आया फाइव आया सिक्स आया कुछ भी आया, ऊपर आ गया जीरो, यानी कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया जीरो के, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस किसका वैल्यू जीरो होता है नाइन्टी का, नाइन्टी को पाई बाई टू लिखते हैं, तो थीटा किसके इक्वल हो गया पाई बाई टू के, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए इसमें जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाइएस्ट को इसके कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो बार, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका कितना, ऑर्डर हो गया टू। अब जितने बार डिफरेंशिएट किया गया जो हाईएस्ट डिग्री है उसका पावर देखते हैं, तो इसका पावर कुछ है यानी वन है, तो इसका डिग्री भी हो गया आपका वन, डिग्री कितना हो गया वन, तो ऑर्डर टू डिग्री वन, ऑर्डर टू डिग्री वन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, टू एक्स बाई फोर वाई इज रिटन इन मैटलैब, अच्छा टू एक्स बाई फोर वाई को मैटलैब में कैसे लिखेंगे, तो टू और ये इस मैटलैब में ऐसा सिंबल होता है टू एक्स अपॉन टू फोर इन टू और सिंबल कुछ ऐसा होता है वाई, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम ग्रुप बी में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे तो उसको देखते हैं, ये चार नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन थीटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर एक कंटिन्यूटी से क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ए साइन टू एक्स अपॉन एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, फिर उसका वैल्यू टू हो रहा है जब एक्स का वैल्यू जीरो हो, फिर टू बी इंटू रूट वन माइनस एक्स माइनस वन हो रहा है जब एक्स लेस देन जीरो हो, तो इसमें कंटिन्यूअस एट एक्स पे था तो फाइंड करना था ए और बी का वैल्यू। तीन नंबर क्वेश्चन है, वाई का वैल्यू साइन रूट एक्स प्लस कॉस, यहाँ पे रूट एक्स दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करना था, और अगला इसका और पार्ट में था एक्स का पावर एम वाई का पावर एम इक्वल टू एक्स का एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन, तो ये होमोजेनियस फंक्शन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर वाई बाई एक्स आता है। फिर और चार नंबर क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को सेवन एक्स प्लस नाइन को इसमें आप क्या करेंगे, ए इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस बी के टर्म एक्सप्लीट करेंगे और फिर इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इवेलुएट था इसका और वाला पार्ट, डी एक्स वाई क्वेश्चन है, डी एक्स वाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो इसमें करना कुछ नहीं, आप क्या करिएगा लॉग एक्स को टी मान लीजिएगा और फिर आपका ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन, उन्होंने अपने वेक्टर के वीडियो में ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि सो दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर यहाँ पे अगर जीरो आप प्रूफ कर देते हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
फिर इसका और वाला पार्ट भी हमने अपने वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है, ए डॉट ए बी सी थ्री वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एल सी क्रॉस डी ए आपका क्या है इक्वल है, तो हमने वीडियो में इसको कराया हुआ है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय वाई इक्वल टू इतना व्हेन ए एंड बी आर द पैरामेट्रिक फंक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का, और मैं था फाइंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच हैव देयर सेंटर ऑफ द एक्स एक्सेस ऑफ द एक्स हैव गिवेन रेडियस ए। बोला है कि फाइंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ ऑल सर्कल विच हैव सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर हो और उसका रेडियस ए हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। अब चलते हैं ग्रुप सी में, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है फाइंड द डी सी ऑफ सेक एक्स डिग्री बाई थ्री, सेक एक्स डिग्री बाई थ्री, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। फिर आपका इसमें और वाला पार्ट था कि y जो है साइन x का पावर cos x है और cos x का पावर साइन x है, तो dy वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक क्लास में कराया हुआ है। u और v मान लेना है और फिर दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके दोनों का ऐड करके लिख देना है। आठ नंबर है क्वेश्चन, जीरो टू पाई बाई टू है, cos x बाई वन प्लस साइन x इंटू टू प्लस साइन x है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। अच्छा क्वेश्चन है, और इसके और वाले पार्ट में है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन वन माइनस रूट एक्स है, रूट एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है अपॉन रूट वन माइनस एक्स है, वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे रखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू पाई बाई फोर आता है, आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। और वाला पार्ट दे रखा है फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व वाई इक्वल टू फोर यू स्क्वायर वाई इक्वल टू टू एक्स, और इससे जो एरिया घिरा हुआ है उसका एरिया आपको क्या करना था फाइंड करना था। दस नंबर क्वेश्चन है ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर, ये वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है, इसको शो करना था, यानी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उसको शो करना था। और इसका जो और वाला पार्ट था टू फोर्सेस, पहला फोर्स ये है दूसरा फोर्स ये है, अप्लाइड एट अ पॉइंट इतना, इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम अबाउट द पॉइंट इतना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मोमेंट निकालना था एक पॉइंट के दूसरे के अलॉन्ग निकालना था। और 11 नंबर क्वेश्चन है फाइंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, इसमें क्या करना था, एक्स प्लस वाई को आप टी मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वन, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या आएगा डी टी, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इधर डी टी है और वन उधर जाएगा तो माइनस वन, तो डी टी डी टी बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स माइनस वन के इक्वल हो जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट कर दीजिए dt टी बाई डी एक्स माइनस वन, और इधर हो जाएगा sec x प्लस वाई, क्या है हमारा dt टी है बस। अब इसमें क्या करिए कि dt टी बाई डी एक्स है तो यहाँ पे क्या कर लिए sec x है और माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो dt टी इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये sec x प्लस वन इंटू डी एक्स, आप दोनों तरफ इंटरग्रेट कर दीजिए तो dt का आ जाएगा t इक्वल टू sec x का इंटरग्रेशन क्या होता है log log sec x माइनस टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट, t का वैल्यू क्या है आपका x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू इधर क्या आ गया log sec x माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, x x कट जाएगा तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू log sec x माइनस ऑफ टेन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसका और वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो और वाला पार्ट जो था हमने बताया हुआ था इस क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इसको सिखा देते हैं कैसे करना है। लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, तो इसको हम बता देते हैं लॉग डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो आप लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल ई के पावर में चला जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, इसको एक्सप्लिट कर देंगे तो ई पावर एक्स एक्स प्लस इंटू इंटू हो जाएगा ई पावर बी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई बी ई वाला पार्ट को नीचे ला दीजिए ई का पावर बी वाई, और इधर में ई पावर ए एक्स है तो डी एक्स उधर चला जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस बी वाई ऊपर चला जाएगा dy इक्वल टू इधर हो जाएगा e का पावर ax dx,
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा e पावर ax अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, और इसको एक तरफ लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा मेरा, एक तरफ लेके चले जाएंगे तो ये आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको ट्रांसफर कर दीजिए एक साइड में, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो क्वेश्चन मेरा किसका है 2023 ऑड का एग्जाम का। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो आज का एग्जाम हुआ है, आज कितना तारीख है, 6/2/24 ये जो एग्ज़ाम हुआ है आज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए होंगे, और बोर्ड में टाइम भी थोड़ा कम दिया हुआ था तो क्वेश्चन उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा टफ बोला जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।